चलिए निकलने में 15 मिनट कम से कम। राजा भाई बचा के। अरे अरे भाई तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल सभी के। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। अभी हो रहे भाई सुबह के 9:44 और मैं अभी सुबह सुबह ब्रश करके आ चुका हूँ छत पे धूप में। ठंड बहुत ज्यादा हो गया है भाई, धूप है फिर भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मस्त अपना ड्राई फ्रूट्स लेके छत पे आ चुका हूँ मैं, आराम से सुबह सुबह अपना धूप लूँ और खाते रहूँ। तो आज है संडे, कॉलेज आज खुला है। फ्राइडे को बंद रहता है, संडे को खुला रहता है। तो आज मैं जाऊंगा कॉलेज नहीं, एक रूम देखना है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे लाइव मैं कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है। जो मेरे गेमिंग चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि जब भी मैं लाइव कर रहा हूँ ना तो वाईफाई का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। लाइट का भी, वाईफाई में रेड लाइट आ जा रहा है बार बार, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी मैं रूम लेने वाला हूँ अपने मेन टाउन में, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं दिल्ली में करता था ना अच्छे इंटरनेट स्पीड के साथ, तो वहाँ टाउन में वैसे ही स्पीड मिल जाएगा मुझे। और बाकी जो मैंने अपने घर पे वाईफाई लगवाया है तो वो वहीं से आया है टाउन से, 4-5 किलोमीटर दूर से। तो यहाँ पे वो स्पीड नहीं मिल पा रहा जिसकी वजह से अच्छे से लाइव नहीं हो पा रहा भाई। तो मैंने अपने दोस्तों से बात किया कि रूम चाहिए मेरे को टाउन में, कॉलोनी में। तो फिलहाल उन्होंने रूम देखा है, तो मेरे पास अभी कॉल आया था कि आओ मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। तो पहले इसको जल्दी जल्दी से खत्म करता हूँ मैं, और उसके बाद जो मेरा दवा है इसका वो लगाऊंगा, फिर उसके बाद चलेंगे रूम देखने के लिए। अभी मैंने भी नहीं देखा है कैसा है कैसा नहीं है। एक सिंगल रूम भी होगा चल जाएगा भाई, सोना नहीं है मेरे को वहाँ पे, अपना काम करना है बस, पीसी रखना है और लाइव स्ट्रीम करना है 4-5 घंटे, और उसके बाद अपने घर पे आ जाना है। बस ये देखना है कि रूम अच्छे एरिया में हो, अच्छी जगह पे हो, और सोसाइटी सही हो कि चोरी वोरी ना हो भाई, वरना चोरी हो गया तो पता चला पीसी गायब, ताला मारने का कोई फायदा भी नहीं होता वहाँ पे। तो अभी वो चीज देखना पड़ेगा, सोसाइटी कॉलोनी वगैरह। ये देखो भाई इतनी सारी मेडिसिन, शैम्पू सीरम पता नहीं क्या क्या है इसमें। एक तो ये है लेकिन ये रात को, बाकी एक ये है, ये अभी का है, खत्म हो चला है भाई, ये आखिरी है थोड़ा ही है। फिर से ये खरीदने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, अबू भेज देंगे, जाना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं हो तो गया है। दिख रहा है हाँ। ये है डेंड्रफ खत्म करने के लिए, इसलिए मैं एकदम स्कार्प पे लगाता हूँ, और इसलिए मैंने बाल छोटे करवाए हैं ताकि ये अच्छे से अब्सॉर्ब हो। आ गया फरहान भाई, देखो हीरो गिरी। चलो भाई दवा खा लिया, सीरम भी लगा लिया, ये चीज बाकी है बस। और ये है, आज से 5-6 साल पहले मैं गिर गया था भाई बाइक लेके, तो यहाँ पे दाग है मेरे, तो ये उसके लिए है। ये देख रहे कितना छोटा है यार, लेकिन फायदेमंद है। लगा ना वहीं पे, एकदम वहीं पे लगा। प्रधान ये किस लिए लेके आया भाई, पता नहीं दवा के बाद बोल रहा है खाने को। हाँ दवा के बाद एक निपटा भी दिया तुमने इसमें दो खत्म हो गया। चलो ये तो पैक है वैसे ही। और यहाँ पे अपने व्हाइट जूते भाई सूख रहे हैं, सूखता ही नहीं यार, धूप है आज, आज सूख जाएगा। और फरहान अपना मस्त यहाँ पे बैठ के, ये देख लो भाई ये क्या है यार इतना फटा हुआ था पहले से ही? ना 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 पहले से नहीं था यार, तुमने अभी ऐसा लेकिन हटा दिया मैंने। अच्छा ऐसा था, तो हटा क्यों दिया यार, काला हो जाएगा यहाँ का पैर तुम्हारा। बाकी इसको ड्राई फ्रूट्स दे के देखना, अभी देखो ये बेचैन है कब से, अभी ये खाएगा देखना, पक्का ये खा जाएगा। ये भाई ऑलराउंडर है, सब कुछ लपेट देता है ये जो मिले वो देख देगा ये, तब से देखो कैसे बेचैन है। और मांग रहा है पूरा खा जाएगा ये लो। देखो भाई काजू खाने वाला खस्सी है ये, खजूर खाने वाला खस्सी है ये। अब नहीं है ना मेरे हाथ में, खत्म वे, अब नहीं है भाई काट दिया भाई इसने। ये देखो आ गया, आ गया दम है तो लेके दिखा भाई, यहाँ से आ ही नहीं पा रहा, दम है तो लेके दिखा। बुला रहा है बुला रहा है कैसे, तुम्हें बुला रहा है ओए बहुत साड़ा है भाई, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अभी आज थोड़ा बहुत ना मस्त धूप हुआ है भाई, तो अपने जो जूते हैं वो भी सूख जाएगा, और बाकी जो कपड़े हैं वो भी, वरना कल तो धूप ही नहीं हुआ था एकदम, और कपड़े सूखने में भी टाइम लग रहा है। और ये कल धोया था हमने, अभी तक नहीं सूखा है। ये साइकिल दिल्ली में थी अगर आप लोगों को याद होगा तो, हम लोगों ने छत पे भी इसको चलाया था लेकिन उस टाइम पे खराब थी, और अभी अपन ने भेज दी भाई बस से। और गाड़ी कल मैंने भाई बहुत मेहनत से धोया था। ये देखो ये पूरा एकदम साफ कर दिया मैंने, ये सब कुछ बहुत ज्यादा, ये यहाँ का तो एकदम कबाड़ा हो गया था, क्योंकि बारिश के टाइम पे मैं इसको लेके चला गया था कॉलेज, इस वजह से पूरा कबाड़ा हो गया था। चाबी बैग, अभी मेरे पास 2 बार कॉल आ चुका है, अभी जाना पड़ेगा रूम देखने के लिए, वरना वो जो लड़का है वो कहीं चला जाएगा भाई, उसको काम भी है। चलते हैं, अभी 10:17 हो गए, चलो चलते हैं। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें रूम देखना है, और हामिद भी आ चुका है, यही वेट कर रहा था ये, अभी साथ में ही चलेंगे दोनों आदमी, पता है ना वो कहाँ है। चलो भाई अब चलते हैं उसके घर, जो रूम दिखाने वाला है यही है।
एकदम गेट पे ही है भाई, अंदर है। हाँ भाई, पार्किंग वार्किंग की जगह है मेरे घर। हाँ है भाई, ऊपर हल्ला भी होगा तो बहुत तेज आवाज सुनाई देगा। इसमें तो ये है, ये अगल बगल में ज्यादा ही रूम है, दो खाना रूम है, आप लोग को दिक्कत नहीं आता अपना रूम में पीने। गाड़ी यहाँ तक लगा सकते हैं? ये चीज सही है गाड़ी लगाने के लिए, ऊपर है रूम या नीचे है? ये रूम है, सही है तब तो भाई, बट थोड़ा सा और पैक करना पड़ेगा। अगल बगल में इतने सारे लोग हैं, पता चला दूसरे दिन बोलेंगे कौन है आया नया इसमें। ज्यादा चिल्लाने की वजह ना, कोई बात नहीं, थोड़ा पैक कर लीजिएगा ना। चिल्लाने में धीरे भी बोलो तो पूरा आ जाएगा। 11 नंबर अंदर से बोलो, अंदर से बोलोगे तो शायद नहीं आएगा आवाज अपना। ज्यादा रूम है, एक दो लाइन से इधर रूम ही रूम है भाई अपना, ये है 11 नंबर वाला। बैचलर्स कहना है, उसका कोई चिंता नहीं, सब बैचलर है। बैचलर है तो भाई शुड बी डिस्टर्ब होना। हां थोड़ा बहुत हम लोग पैक कर देंगे, आवाज तो आएगा, थोड़ा बहुत नॉइस कैंसलेशन कर दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। 460 पे तुम्हारे पास भी तो आईफोन ही है, आईफोन 14 प्रो। सवान के पास भी यही है, 14 प्रो है, मामू का लड़का है। शादी में जब हम लोग जा रहे थे तो मिला ही था, उसके पास 14 प्रो है शायद। ये 14 प्रो मैक्स है भाईजान, दिया व्हाइट कलर का है उसके साथ, गोल्ड वाला है, गोल्ड बता रहा था। बाहर से मंगवाया उसने, बोल रहा था 30,000 का डिफरेंस, भाईजान से मंगवाया है, भाईजान से। हां थोड़ी बात है तो सही है, जिसका जो बाहर जिसके अगर पहचान के रिलेशन की है ना तो वो मंगवा सकते हैं, वरना अगर तुम लेने जाओ तो फिर वही बात हो जाएगी, उससे अच्छा यहीं से ले लो, लेकिन टूर हो जाएगा। टाइम से लिया हम, आराम से एक दिन का वीजा लो, घूम भी लोगे, ले भी लोगे। आशीष जैन क्या हाल है भाई आपका? भाई बहुत खतरनाक खतरनाक सामान पहले फ्रंट ही पर है हम लोग के। सही है, वीडियो जिससे ज़्यादा बड़ा लग रहा था भाई, ऐसा लग रहा है इसमें कभी पढ़ाई होता था लग रहा है भाई। पढ़ाई तू भी पढ़ाते थे क्या आसिम भाई? इतना में हो जाएगा यार, इसमें वाईफाई और बोर्ड भी है इधर। अच्छा ब्लैक बोर्ड है भाई, इसमें पढ़ाई होता तो इसलिए पढ़ाई होता, सब गेम होगा भाई, उल्टा हो गया इधर भी घर है। कोई बात नहीं, उधर उसको कोई बात नहीं है, आपका ये अपना है, ठीक है, उसको कोई बात नहीं, सब हटा दीजिएगा, ये कोई को रखा जाएगा, कौन सा दो आदमी कर रहा है, और उसको ऊपर से पैक करना पड़ेगा, ठीक है। हम ना साउंड प्रूफ हो जाएगा, नॉइज कैंसिलेशन रूम, थोड़ा बहुत यार मेहनत करना पड़ेगा, काफी है एक आदमी के लिए, बहुत है। आशीष भाई एक दिन आके हम दोनों पूरा साफ कर दिया जाए, साफ करने से पहले करना पड़ेगा अभी, साफ करके दे वो नहीं यार, वो अपना सेटअप के लिए कह रहा है, अभी अब उसे पूछना पड़ेगा ना कि ब्लेला नहीं है, ये थोड़ा नजदीक हो जाएगा। एक और रूम सही है यार, गाड़ी अगर अंदर लगा तो सामने, ये भी रूम सही है भाई, ये सही है भाई, हां एकदम परफेक्ट है यार ये, क्योंकि ये सामने घर भी नहीं है, इसमें भी पढ़ा देते हैं। हां इसमें सब में होता था पढ़ाई, ये फिर सब सही है ना? हां सही यार, आप जैसा अच्छा लगे, घर है लेकिन थोड़ा दूर है, वो भी उस घर में रहता है, अच्छा लगे वो सही है। इसमें बोर्ड किधर है? वो है बोर्ड आपने तो कनेक्शन निकाल सकते हो अपने तरफ से करवाना होगा, ये सही लगे यार उससे, वो ज्यादा डार्क है, अंधेरा काफी है, ये भी आगे है, हां ये आगे है और ये भी है, सामने का व्यू सही है, उसमें एकदम लास्ट में डार्क हो जाएगा कुछ ज्यादा ही, इसको बंद भी करके अगर इंसान कह रहे ना लाइव वीडियो में ये नहीं है वहाँ पे यहाँ से गया है वाई फाई, वहाँ फाइबर पूरा 5 मीटर बीच बीच में बेकार हो जाएगा, टूट जाता है। फिर बोल रहा है मुश्किल है अभी वहां तक तो नहीं हो पाएगा गांव तक, यहां पे हो जाएगा। अब तुम खुद सोचो कि यहां से गया है वाईफाई मेरे घर तक और यहीं से यहीं लगवा लेंगे तो फायदा होगा ना, तार भी तो बहुत महंगा लगा होगा भाई उसको, और तार का एक्स्ट्रा पैसा भी लिया तो उसे बहुत ज्यादा लिया होगा भाई, और रिचार्ज का भी ज्यादा है साला उसका, यही सही है भाई। बाकी जैसा भी होगा मैं बात करके अब उसे बताता हूं। तो गाइस अभी रूम देख लिया है, दो रूम दिखाया भाई ने, एक जो सबसे लास्ट में था ना वो थोड़ा डार्क था, मतलब अंधेरा था उसमें, और एकदम जस्ट सामने घर भी था, तो मैं अगर गेम वेम खेलूँ या फिर लाइव वाइव करूँगा नॉर्मली भी धीरे धीरे भी
तो आवाज जाएगा। फिर जो दूसरा वाला है ना वो मस्त है। हाँ, जो दूसरा वाला है उसके सामने एक घर है लेकिन काफी हटके है, दूर है, उसके बगल में भी कोई नहीं रहता है, सामने भी कोई नहीं रहता है, तो वो सही है दूसरा वाला, और सामने भी है, ज्यादा लास्ट में भी नहीं है। बाकी बाइक लगाने के लिए देखो इसमें यहाँ पे है और सामने गेट है, तो चोरी का तो टेंशन नहीं है। अगर लेट हो गया कभी, रात भर रुकना हो गया तो आराम से रुक भी सकता है इंसान, एक बेड भी आराम से सो जाओ, सिंगल आदमी के लिए सही है। अभी ना फिलहाल मेरे को अब्बू से पूछना होगा क्योंकि मैं ऐसे ही आ गया था देखने के लिए, अभी अब्बू से बात किया नहीं है मैंने, देखते हैं अभी वो क्या बोलेंगे भाई। अगर हो गया ना ही बोलेंगे मेरे ख्याल से, हो गया तो उसका ही ब्लॉग आएगा, किस तरह हम लोग सेटअप करेंगे सबका ब्लॉग सब आएगा भाई, ठीक है। तो अब्बू ना ही बोलेंगे मेरे ख्याल से क्योंकि बोलेंगे कि घर जब यही है नजदीक में तो तुमको कॉलोनी में रहने की क्या जरूरत है। वायरलेस वाईफाई वो लगवा देंगे, ज्यादा उसको एक्स्ट्रा पैसा भी दे देंगे लेकिन इधर नहीं रहने देंगे, मेरे को पता है। चलो फिर भी ट्राई करेंगे, अपना काम है भाई, कोशिश करना, कोशिश करने वाली की हार नहीं होती। कॉलेज चलना अभी, चलो कॉलेज से आ जाए थोड़ा, आते हैं भाई कॉलेज से, अभी देखिए एक आध क्लास करके और रोल नंबर बनवा के उसके बाद फिर मेरे को काम भी है, कुछ सामान वगैरह लेना है, फिर चलेंगे भाई। अभी फिर से सिग्नल बंद और ट्रैफिक देखो, आगे इतना पीछे भाई पूरा, पीछे दिख भी नहीं रहा, आगे तो पूरा जाम ही जाम है यार। यहाँ जब भी आओ यही है यार, बंद ही मिलता है, फ्लाई ओवर बन जाता ना ऊपर ऊपर से, तो यहाँ पे एकदम सारा मसला हल हो जाता है। चलो गाइस अभी फाइनली एक ट्रेन आ गई, अभी ये पहली है जब से हम लोग आए हैं, निकलने में 15 मिनट कम से कम। राजा भाई बचा के, जाम देख रहे हैं आप, उसके चक्कर में इधर से आना पड़ा, जुगाड़ सीधा करके स्लिप हो गया। अरे अरे भाई ये खतरनाक भाई राइडर, रुके उठाना पड़ेगा, चलो वो मीटर लगा दीजिएगा, चलिए। ओ भाई बस थोड़ा सा और बुझा देगा, हम भी उठा देता था, भाई यार जल्दी आने के चक्कर में हम लोग यहाँ से पार कर गए भाई, देखो अभी भी देखो अभी वहीं पे घुसे रहते हम लोग, बहुत ज्यादा जान है से, और टाइम भी हो रहा था तो इसके वजह से निकलना पड़ा। अब यहाँ से देखते हैं गाइस, यहाँ पे सामने कुआं है, पीछे खाई है, उतर जो उतरते हैं। हाँ चलो राइडर बन गए तुम, ये तो नॉर्मल था यार वहाँ पे मेन। आप चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं कॉलेज, पहुँच गए भाई अभी कॉलेज में, अभी चलते हैं क्लास करते हैं, रोल नंबर बनवाते हैं। हो गया गाइस क्लास खत्म, अभी चलते हैं घर। भाई कितना टाइम हो गया, 1:26 1:26 हो गया, अभी निकलते भाई घर, बीच में भी जाना है टाउन में सामान लेने के लिए। हामिद नहीं है, हामिद तुम्हारा खास दोस्त नहीं आया था यार, लेकिन कौन मेरा दोस्त आया, हामिद जिसके लिए आया था वो आया ही नहीं था यार। ना भाई चलो अभी चलते हैं भाई, अभी जस्ट खाना खा के कंप्लीट कर दिया और आ चुका हूँ मैं कॉलेज से, और अभी बारी है भाई इट्स टाइम टू गो लाइव, अभी लाइव आने का टाइम हो चुका है। टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, 3:51 चार बजने वाला है, सब कुछ पूरा प्रॉपर सेट कर दिया है मैंने, ये रहा फेस कैम, ये रहा इसमें मैं, अभी 3-4 घंटे की लाइव स्ट्रीम कंप्लीट करता हूँ मैं, गेम वेम खेलते हैं मस्त, फिर उसके बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों से, बाय। तो गाइस अभी रात के 9 बजने वाले हैं और मैं लाइव करके कब का उठ चुका हूँ भाई, और यहाँ पे जमजम देखो भाई अपना GTA 5 खेलने लग गया, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।